दोस्तों आज हम बताने वाले हैं हमारे उस क्रांतिकारी वीर के बारे में जिसे इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली। दूसरे किसी भी क्रांतिकारी से इनका योगदान कम नहीं था। दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने जो बम फेंका था उसे इन्होंने ही बनाया था। और विदेश में भारतीय झंडा पहली बार फहराया गया था 1907 में भिखाजी कामा के द्वारा, उसे भी बनाने वाले यही थे। जी हाँ, इस वीर क्रांतिकारी का नाम है हेमचंद्र कानूनगो। आइए जानते हैं इनके बारे में। हेमचंद्र का जन्म 12 जून 1871 को बंगाल प्रांत के मिदनापुर जिले में हुआ था। देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प उनके मन में बहुत पहले से था, लेकिन वो जानते थे कि बिना तकनीकी सहायता के हम अंग्रेजों को नहीं हरा सकते हैं। हेमचंद्र ने समझा कि तकनीकी विज्ञान का महत्व क्या है और इसे पाने के लिए वो यूरोप गए। यात्रा के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। 1906 के अंत में फ्रांस पहुंचकर उन्होंने वहां कुछ महीने बिताए और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में उन लोगों से संपर्क में आने की कोशिश कर रहे थे जो या तो स्वयं क्रांतिकारी थे या क्रांतिकारियों को जानते थे। उन्होंने पेरिस में एक रूसी प्रवासी से बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब वो पूरी तरह तैयार थे। हेमचंद्र जनवरी 1908 में भारत लौटे। हेमचंद्र यूरोप से आधुनिक तकनीकी साहित्य के साथ लौटे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री था बम बनाने का एक 70 पृष्ठ का मैनुअल जिसका अनुवाद रूसी से किया गया था। उन्होंने कलकत्ता के पास मानिक तल्ला में एक गुप्त बम फैक्ट्री अनुशीलन समिति खोली, जिसके संस्थापक सदस्य हेमचंद्र कानूनगो खुद, अरविंदो घोष यानी श्री अरविंदो और बरिंद्र कुमार घोष थे। क्रूर ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो बम फेंका था वो हेमचंद्र के द्वारा ही बनाया गया था। किंग्सफोर्ड को मारने की योजना विफल हो गई थी, इस कारण खुदीराम बोस तो पकड़े गए थे और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के परिणाम स्वरूप हेमचंद्र द्वारा स्थापित गुप्त बम फैक्ट्री पर ब्रिटिश पुलिस ने छापा मारा और बंद कर दिया। इस योजना में शामिल लगभग सभी क्रांतिकारी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमचंद कानूनगो का ज्ञान भारत के साथ साथ विदेशों में स्थित भारतीय राष्ट्रवादी संगठनों में भी फैला हुआ था। 1908 में हेमचंद्र अलीपुर बम मामले में अरविंदो घोष के साथ साथ मुख्य सह अभियुक्त थे। उन्हें अंडमान जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें 1921 में रिहा कर दिया गया। 1926 में उनकी एक पुस्तक अकाउंट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल प्रकाशित हुई थी। हेमचंद्र ने इस पुस्तक में बंगाल में पहली सशस्त्र राजनीतिक क्रांति के इतिहास का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। जीवन के अंतिम दिन हेमचंद्र ने राधानगर में बिताए। चूंकि उन्हें पेंटिंग और फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए अपना अधिकतर समय वे इन्हीं कार्यों में व्यतीत करते थे। 8 अप्रैल 1951 को इस वीर क्रांतिकारी की गुमनामी में ही मौत हो गई, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने इनके योगदान को जरूरी ही नहीं समझा और इन्हें वक्त के साथ भुला दिया गया, जबकि इनका योगदान किसी भी दूसरे क्रांतिकारी से कम नहीं था। भारत माँ के इस वीर सपूत को हमारा शत शत नमन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस वीर क्रांतिकारी के बारे में पता चलना चाहिए।